Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution of complex analysis from June 2015 question paper. June 2015 mein complex analysis se total 6 question ask kiye gaye. 2 are from part B and 3 are from part C. So aaj ki is video mein hum 5 question discuss karenge one by one. So let us start with the first question. In this question, given that let f be the real valued harmonic function on C, that is f satisfy the equation del 2f by del x square plus del 2f by del y square equals to 0. Define the function. Function define kya hai? G equals to del f by del x minus I del f by del y and h del f by del x plus I del f by del y. Do functions हमें define किए हैं g और h कुछ इस तरीके से, और साथ ही हमें एक real valued harmonic function दिया हुआ है जो है del 2f by del x square plus del 2f by del y square equals to 0. यह harmonic function की definition में आता है. कोई भी harmonic function Laplace equation को satisfy करता है. So del 2f by del x square plus del 2f by del y square equals to 0. Then हमें बताना है g और h दोनों holomorphic होंगे. ऑप्शन बी कह रहा है जी तो होलोमॉर्फिक होगा बट एच नीड नॉट टू बी होलोमॉर्फिक. ऑप्शन सी कह रहा है एच इज होलोमॉर्फिक बट जी नीड नॉट टू बी होलोमॉर्फिक. एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है बोथ जी एंड एच आर आइडेंटिकली इक्वल्स टू जीरो फंक्शन. तो हमें बताना है वन बाई वन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे जी और एच के लिए. यहाँ होलोमॉर्फिक डिनोट करें एनालिटिक फंक्शंस को. सो अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दें देन हमें यहाँ से लाप्लास इक्वेशन गिवन है डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो. देन यहाँ से अगर इस वाई स्क्वायर वाली टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें देन हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर. ये हमारे पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट. सो हमें यहाँ पे जी जो फंक्शन दिया है वो गिवन है जी इक्वल्स टू डेल एफ बाई डेल एक्स माइनस आई डेल एफ बाई डेल वाई. देन हेयर दिस वन इज यू फंक्शन यू प्लस आईटा वी की फॉर्म में अगर लिखें देन यहाँ से यू फंक्शन रियल पार्ट है हमारे पास यू इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड वी हमारे पास यहाँ से गिवन है वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ वाई. सो यहाँ पे यू एक्स आ जाएगा डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर एंड वी एफ यू वाई आ जाएगा डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई. सिमिलरली अगर वी एक्स की बात करें वी एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई एंड वी वाई आ जाएगा माइनस डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर. सो वॉट इज गिवन हियर हम इन इक्वेशन से क्या देखते हैं. यहाँ से हम देखते हैं यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी एक्स क्योंकि यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी एक्स. देन दिस वन इज इम्प्लाइंग CR equations are satisfied and partial derivatives, partial differential, partial derivatives, partial derivatives UX, UY, VX and VY are exist finitely, exist and continuous on C. Then this one is implying ये conditions हमारे पास imply करती है G हमारे पास जो function है वो एक holomorphic function है. अगर G holomorphic function है then अगर options की बात करें if G is a holomorphic function then यहाँ से option C डिस्कार्ड हो जाएगा जो कह रहा है जी नीड नॉट टू बी होलोमॉर्फिक और होलोमॉर्फिक फंक्शन है ये इम्प्लाई नहीं कर रहा जी हमारे पास एग्जैक्टली जीरो फंक्शन होगा. कोई भी होलोमॉर्फिक फंक्शन हो सकता है. सो यहाँ से ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया. सो ऑप्शन सी एंड डी आर डिस्कार्डेड. बाकी ऑप्शन देखेंगे अब. इनके लिए हमें एच गिवन है एच जो फंक्शन गिवन है एच हमारे पास है डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस आईटा डेल एफ बाई डेल वाई. देन अगर यहाँ से इम्प्लाई करते हैं देन यू हमारे पास आ जाएगा यहाँ से रियल पार्ट है एफ ऑफ एक्स एफ का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वी है एफ ऑफ वाई देन एफ का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई. देन यहाँ से यू ऑफ एक्स आ जाएगा डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर एंड यू वाई इक्वल्स टू डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई. Similarly, v of x equals to del 2f by del x del y and vy equals to del 2f by del y square. Since हमने equation first में क्या proof किया है हमने equation first में यहाँ से ही simplify किया है del 2f by del x square equals to minus of del 2f by del y square. Then अगर equation first से यहाँ पे लेते हैं then यहाँ से
यू एक्स डज नॉट इक्वल्स टू वी वाई फॉर ऑल एक्स वाई, मतलब हर एक्स वाई के लिए तो हम ये नहीं कह सकते कि यू एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी वाई होगा, यू एक्स इक्वल्स टू यू वाई होगा, वी वाई होगा, बिकॉज ऑफ यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई होने का मतलब है डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, बट हमने इक्वेशन फर्स्ट में प्रूव किया है डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, देन यहाँ से हमारे पास यू एक्स डज नॉट इक्वल्स टू वी वाई, मतलब सारे एक्स वाई के लिए प्रूफ नहीं है, कुछ एक्स वाई के लिए हो सकता है ये सच हो बट सबके लिए नहीं है। सिमिलरली यहाँ से डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई डज नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, देन यहाँ से ये भी सारे एक्स वाई के लिए ट्रू नहीं है। सो यहाँ से ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई सारे एक्स वाई के लिए, अगर सारे एक्स वाई के लिए सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ये इक्वेशन जो आई है हमारे पास ये सी आर इक्वेशन है, सो अगर सारे एक्स वाई के लिए सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई देन एच हमारे पास होलोमॉर्फिक फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि सबके लिए सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होने का मतलब है ये सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और कोई भी फंक्शन अगर सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है देन वो होलोमॉर्फिक नहीं हो सकता, क्योंकि होलोमॉर्फिक होने के लिए उसे सारे पॉइंट्स पे रेगुलर होना होता है, और कोई भी फंक्शन सारे पॉइंट्स पे रेगुलर कब होगा, जब उस किसी भी पॉइंट पे रेगुलर कब होता है, जब उसके किसी भी पॉइंट के अराउंड एक डिस्क मिलती है जिसके सारे पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, जिसके सारे पॉइंट्स पे फंक्शन रेगुलर हो मतलब डिफरेंशिएबल हो, देन यहाँ से ये फंक्शन रेगुलर नहीं होगा, दैट्स व्हाई यहाँ से होलोमॉर्फिक नहीं होगा, होलोमॉर्फिक नहीं होगा देन यहाँ से एच इज़ नॉट अ होलोमॉर्फिक फंक्शन, देन यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि जी तो होलोमॉर्फिक होगा बट एच नीड नॉट टू बी होलोमॉर्फिक, एच होलोमॉर्फिक हो सकता है, मतलब यहाँ पे हमने कहा है कि कुछ कंडीशंस पे इक्वेशन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब जिनके लिए डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर हमने प्रूव किया है, देन यहाँ से ये दोनों इक्वेशंस अगर इक्वल आ जाए, अगर कॉन्स्टेंट फंक्शन ले लेंगे देन उसका एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा, देन इस केस में हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, देन यहाँ से ये एच होलोमॉर्फिक हो जाएगा, देन एच नीड नॉट टू बी होलोमॉर्फिक फंक्शन आया क्योंकि सबके लिए प्रूफ नहीं हो रहा, देन यहाँ से ऑप्शन भी करेक्ट आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर बाई फोर जेड फोर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड ओवर जेड मोड ऑफ जेड प्लस वन इक्वल्स टू टू, देन इस इंटीग्रल की हमें वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ से हमें ये जो फंक्शन दिया हुआ है देन यहाँ से ये जो डिस्क दी हुई है ये डिस्क डिनोट करी है माइनस वन पे इसका सेंटर होगा और इसकी रेडियस टू होगी, सो अगर इसके लिए डिस्क बनाई देन यहाँ से माइनस वन पे इसका सेंटर और इसकी रेडियस टू हमने एक डिस्क ले लेनी है ये। सो यहाँ से अगर ये फंक्शन देखेंगे ये है इसे सिंप्लीफाई करें इसके फैक्टर्स करते हैं देन टू माइनस जेड टू प्लस जेड आ जाएगा, सो यहाँ पे हमें ये सिंप्लीफाई हो जाएगी। सो अगर इस फंक्शन की बात करें एफ ऑफ जेड हमारे पास यहाँ से आई ये इस एफ ऑफ जेड में सिंगुलरिटी कहाँ है जेड इक्वल्स टू टू एंड जेड इक्वल्स टू माइनस टू, सो इन दो पॉइंट्स पे अगर इसमें सिंगुलरिटी है देन इन पॉइंट्स पे जेड इक्वल्स टू प्लस टू तो इस डोमेन में बिलोंग्स ही नहीं कर रहा क्योंकि जेड इक्वल्स टू प्लस टू यहाँ पे आएगा और ये इस डोमेन जो हमें दिया जो डिस्क दी उसमें जेड इक्वल्स टू प्लस टू लाई नहीं कर रहा, सो जेड इक्वल्स टू प्लस टू डज नॉट बिलोंग्स टू डी, सो जो डी में डोमेन में लाई करेगा उन्हीं पॉइंट्स पे सिंगुलरिटी काउंट होगी, सो जेड इक्वल्स टू माइनस टू इस डोमेन के अंदर लाई कर रहा है, सो यहाँ से सिंगुलरिटी इसमें काउंट होगी, इसमें पूर्ण सिंगुलरिटी है। और बाई कोशीज रेजिड्यू थ्योरम, कोशी रेजिड्यू थ्योरम हमें कहती है इफ एफ इज एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी एक्सेप्ट फॉर द आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज एट ए वन ए टू ए एन देन फॉर एनी क्लोज कंटूर गामा इन डी ऑन विच नन ऑफ पॉइंट ए के लाई देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू टू पाई आईटा सम ऑफ रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट ए के, तो यहाँ पे रेजिड्यू किन पॉइंट्स में निकलेगा जिसकी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी जहाँ होगी, सो इसमें आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहाँ है पोल सिंगुलरिटी है जेड इक्वल्स टू माइनस टू पे, सो यहाँ पे रेजिड्यू आ जाएगा रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू माइनस टू, जेड इक्वल्स टू माइनस टू पे अगर निकालेंगे सो लिमिट जेड इक्वल्स टू माइनस टू पे रेजिड्यू क्या आएगा, लिमिट जेड इक्वल्स टू माइनस टू पे रेजिड्यू आएगा, लिमिट जेड इज टेंडिंग टू माइनस टू जेड माइनस एल्फा होता है देन यहाँ एल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ टू है देन जेड माइनस एल्फा इंटू एफ जेड, सो यहाँ से जेड माइनस एल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जेड प्लस टू इंटू एफ जेड, सो यहाँ से लिमिट जेड इज टेंडिंग टू माइनस टू जेड प्लस टू एफ जेड ये हमारे पास रेजिड्यू होगा, इसे टू पाई आईटा से इंटू कर देंगे बाई कोशीज रेजिड्यू थ्योरम बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू टू पाई आईटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रेजिड्यू ऑफ एफ जेड डी जेड, सो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी जेड इज टेंडिंग टू टू और जेड प्लस टू से जेड प्लस टू यहाँ से अगर देखेंगे देन दिस जेड प्लस टू इज कैंसिल आउट विद दिस जेड प्लस टू, सो यहाँ से हमारे पास टर्म रहेगी जेड स्क्वायर बाई टू माइनस जेड और लिमिट जेड इज टेंडिंग टू माइनस टू, सो लिमिट जेड इज टेंडिंग टू माइनस टू देन वैल्यू आ जाएगी माइनस टू का होल स्क्वायर
ओवर टू माइनस माइनस ऑफ टू इंटू टू पाई आइटा। सो यहाँ से सिंप्लीफाई होकर वैल्यू हमारे पास आएगी टू पाई आइटा। सो अगर टू पाई आइटा अगर वैल्यू है देन यहाँ से रिजल्ट क्या रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा, टू पाई आइटा इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से पार्ट बी के जो दो क्वेश्चन पूछे गए थे वो दोनों तो पूरे हो गए, अब पार्ट सी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो पार्ट सी में हमें कहा गया लेट एफ बी द एंटायर फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। एफ अगर एंटायर फंक्शन है देन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे। सो क्वेश्चन में कंडीशन क्या गई है, एफ तो एंटायर है ये तो दिया हुआ है। सो ऑप्शन ए कह रहा है एफ कॉन्स्टेंट होगा इफ द रेंज ऑफ एफ इज कंटेन्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन बी कह रहा है एफ इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, एफ कॉन्स्टेंट इफ एफ हैज काउंटेबली अनकाउंटेबली मैनी जीरोज। ऑप्शन सी कह रहा है एफ इज कॉन्स्टेंट इफ द एफ इज बाउंडेड ऑन जेड बिलोंग्स टू सी, रियल जेड इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है इफ एफ इज कॉन्स्टेंट इफ द रियल पार्ट ऑफ एफ इज बाउंडेड। सो वन बाई वन ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। पार्ट सी का क्वेश्चन है देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। सो एफ हमें एंटायर दिया और हर कंडीशन में हमें पूछा गया एफ कॉन्स्टेंट होगा किस कंडीशन में। सो इफ अगर हम अज्यूम करते हैं कि रेंज ऑफ एफ इज कंटेन्ड इन स्ट्रेट लाइन तो एफ कॉन्स्टेंट होगा। सो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है लिटिल पिकार्ड्स थ्योरम। सो अगर लिटिल पिकार्ड्स थ्योरम की बात करें वो कहती है इफ अ फंक्शन एफ सी टू सी बी अ नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन देन एफ सी इज आइदर द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन सी और द प्लेन कैन ओमिट्स एटमोस्ट वन कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट्स वैल्यू। मतलब अगर कोई भी फंक्शन एफ सी टू सी नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन है देन उसकी रेंज या तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होगी या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन में सिर्फ एक पॉइंट से हटा के सी माइनस ए वेयर ए बिलोंग्स टू सी हो सकती है। मतलब अगर नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन है देन या तो रेंज पूरी सी होगी या फिर सी माइनस ए होती है। मतलब इससे ज़्यादा पॉइंट्स अगर रेंज से हटेंगे देन फंक्शन कॉन्स्टेंट हो जाएगा। सो हमें यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में इफ द रेंज ऑफ एफ कंटेंड इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर रेंज ऑफ एफ स्ट्रेट लाइन में कंटेंड होती है देन कुछ इस टाइप का फंक्शन बनेगा। सॉरी कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, रेंज ऑफ सॉरी ये स्ट्रेट नहीं बनी है बट आप स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर सकते हैं। सो रेंज ऑफ एफ अगर स्ट्रेट लाइन में कंटेन होती है देन यहाँ से हम देख सकते हैं कितने सारे पॉइंट्स इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में नहीं आए। सो ये इतने सारे पॉइंट्स ये फंक्शन ओमिट्स कर रहे हैं। सो इतने सारे पॉइंट्स अगर ये छोड़ रहा है पॉइंट देन इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि कोई भी नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन इतने सारे पॉइंट्स ओमिट नहीं कर सकता रेंज ऑफ एफ से। सो यहाँ से ये इम्प्लाई करता है बाई लिटिल पिकार्ड्स थ्योरम दिस फंक्शन इज कॉन्स्टेंट। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ही करेक्ट आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दिस ऑप्शन इज सेइंग इफ द एफ हैज़ अनकाउंटेबली मैनी जीरोज देन एफ इज कॉन्स्टेंट। सो अगर एफ में अनकाउंटेबली मैनी जीरो होते हैं देन यहाँ से लेट एफ बी एन एनालिटिक, एफ बी एनालिटिक इन द रीजन डी एंड जेड जीरो बिलोंग्स टू डी। इफ ए इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस जेड एन टू जेड जीरो एंड जेड एन डज नॉट इक्वल टू जेड जीरो फॉर एनी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन एफ एन जेड जीरो, एफ जेड एन इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन एफ जेड इक्वल टू जीरो आइडेंटिकली जीरो इन डी। ये है हमारे पास आइडेंटिटी थ्योरम। आइडेंटिटी थ्योरम कहती है अगर एफ एनालिटिक फंक्शन है किसी रीजन डी में और जेड जीरो बिलोंग्स कर रहे हैं उसी डोमेन से और एक सिक्वेंस है जो जेड एन से जेड जीरो पर कन्वर्स कर रही है बट इक्वल नहीं है जेड एन डज नॉट इक्वल टू जेड जीरो और एनी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन एफ जेड एन इक्वल्स टू जेड जीरो हो अगर किसी भी एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए देन इस केस में फंक्शन आइडेंटिकली जीरो होगा। सो अगर इसी थ्योरम से कंपेयर करें देन हमारे पास यहाँ से दिया हुआ है ये जो फंक्शन है इसमें अनकाउंटेबली मैनी जीरोज हैं। सो ये फंक्शन हमारे पास आइडेंटिकली जीरो आ जाएगा और कोई भी फंक्शन अगर आइडेंटिकली जीरो आ रहा है देन इसका मतलब वो फंक्शन कॉन्स्टेंट है। सो भाई आइडेंटिटी थ्योरम हमारे पास ये फंक्शन कॉन्स्टेंट आ जाएगा। सो यहाँ से ऑप्शन बी भी करेक्ट आ जाएगा। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी तो करेक्ट आ गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। सो अगर ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी हमें कहता है एफ इज कॉन्स्टेंट इफ एफ इज बाउंडेड ऑन जेड बिलोंग्स टू सी वेयर रियल ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू जीरो। सो जेड क्या लिया, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई का फंक्शन होता है जेड। सो अगर जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई है देन लेट अस टेक एक फंक्शन हम अज्यूम कर लेते हैं जो एंटायर हो। सो लेट अस टेक एफ जेड इक्वल्स टू जेड प्लस आइटा जेड, दिस वन इज एंटायर फंक्शन, ये पॉलिनोमियल है तो ये एंटायर होगा। सो यहाँ से वन डिग्री का पॉलिनोमियल है जहाँ ए जीरो की वैल्यू है वन प्लस सॉरी ए वन की वैल्यू है वन प्लस आइटा एंड ए जीरो इक्वल्स टू जीरो, वन डिग्री का पॉलिनोमियल है। सो यहाँ से ये एंटायर है
सो जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई टा वाई होता है. सो यहाँ से रियल ऑफ जेड इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू जीरो लिया, सो एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो. तो हमारे पास एफ जेड क्या फंक्शन होगा, अगर इसे एक्स से लिखेंगे देन यहाँ से एक्स प्लस आईटा वाई प्लस आईटा इंटू एक्स प्लस आईटा वाई होगा. सो यहाँ से सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आएगी एक्स माइनस वाई प्लस आईटा एक्स प्लस वाई. सो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, यहाँ से कुछ इंप्लाई नहीं हो रहा कि फंक्शन कॉन्स्टेंट होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक्स तो हमें बाउंडेड दे दिया है, बाउंडेड ने लेस देन इक्वल्स टू जीरो दिया है. सो बाउंडेड तो नहीं दिया हुआ है, दिस कैन बी माइनस इन्फिनिटी. देन यहाँ से एक्स बाउंडेड भी नहीं दिया हुआ, साथ ही इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि ये फंक्शन कॉन्स्टेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वाई के ऊपर ना तो कुछ हमें कंडीशन दी है और एक्स भी हमें सिर्फ लेस देन इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ है. सो दिस कैन बी माइनस इन्फिनिटी. तो यहाँ से कोई कंडीशन नहीं दिया है, ये एंटायर है, बट हम ये नहीं कह सकते कॉन्स्टेंट होगा. सो यहाँ से ये क्या इंप्लाई कर रहा है, यहाँ से ये इंप्लाई कर रहा है, यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो डिस्कार्ड हो जाएगा. नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी. ऑप्शन डी हमें क्या कहते हैं कि एफ इज़ कॉन्स्टेंट इफ़ द रियल पार्ट ऑफ एफ इज़ बाउंडेड. सो ये हमें ल्यूविस थ्योरम की कंडीशन है कि अगर किसी भी एंटायर फंक्शन का रियल पार्ट या इमेजनरी पार्ट बाउंडेड होगा देन इस केस में हमारे पास फंक्शन कॉन्स्टेंट आएगा. और अगर हम इसका प्रूफ देखना चाहें तो हम इसे इस कंडीशन से ले सकते हैं. इस कंडीशन से इसे अगर प्रूफ करते हैं, लेट अस टेक एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आईटा वी. एफ जेड हमने फंक्शन लिया है यू प्लस आईटा वी, इज एन एंटायर फंक्शन गिवन है. सो यहाँ से रियल ऑफ पार्ट ऑफ एफ हमें बाउंडेड दिया, सो रियल पार्ट ऑफ एफ अगर बाउंडेड है देन यू हमें बाउंडेड दिया, सो यू हमें बाउंडेड दिया है. सो मॉड्यूलस ऑफ यू लेस देन इक्वल्स टू एम, एम कोई भी क्वान्टिटी है फाइनाइट, देन यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमें गिवन है. सो लेट अस टेक जी जेड इक्वल्स टू ई एक्सपोनेंशियल एफ जेड, ये भी हमारे पास एंटायर फंक्शन होगा क्योंकि एफ जेड हमारे पास एंटायर है, देन यहाँ से एक्सपोनेंशियल एफ जेड भी हमारे पास एंटायर फंक्शन होगा. सो यहाँ से एक्सपोनेंशियल इसे हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल यू प्लस आईटा वी. सो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, यू एक्सपोनेंशियल यू प्लस एक्सपोनेंशियल आईटा वी. सो यहाँ से अगर मॉड्यूलस ऑफ जी जेड लेते हैं तो मॉड्यूलस ऑफ जी जेड यहाँ से क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ जी जेड इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल यू. यू हमने लिया इक्वेशन फर्स्ट में, मॉड ऑफ यू इज लेस देन इक्वल्स टू एम, सो यू हमारे पास बाउंडेड है, देन एक्सपोनेंशियल यू भी हमारे पास बाउंडेड आएगा. सो यहाँ से जी जेड इज लेस देन मॉड ऑफ जी जेड इज लेस देन इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एम. सो ये एक बाउंडेड क्वांटिटी आ गई. सो जी जेड इज बाउंडेड, सो जी जेड बाउंडेड है, जी जेड साथ ही एंटायर भी है, सो जी जेड एंटायर प्लस बाउंडेड है. एंड बाई द ल्यूविल्स थ्योरम, ल्यूविल्स थ्योरम हमें क्या कहती है, कोई भी एंटायर और बाउंडेड फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है नॉन. सो यहाँ से एंटायर भी और बाउंडेड भी है, सो यहाँ से बाई ल्यूविल्स थ्योरम जी जेड हमारे पास कॉन्स्टेंट फंक्शन आ गया. और जी जेड अगर कॉन्स्टेंट आ गया, लेट अस टेक जी जेड इक्वल्स टू सी, हमने कोई कॉन्स्टेंट एज्यूम कर लिया. सो यहाँ से जी जेड हमने क्या एज्यूम किया था, जी जेड हमने एज्यूम किया एक्सपोनेंशियल एफ जेड, सो एक्सपोनेंशियल एफ जेड इक्वल्स टू सी. सो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, एंटी लॉग ले लेंगे देन ये इंप्लाई करेगा एफ जेड इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी. सो यहाँ से ये इंप्लाई कर रहा है एफ जेड हमारे पास कॉन्स्टेंट आ गया, क्योंकि सी कॉन्स्टेंट है देन लॉग ऑफ सी भी कॉन्स्टेंट आएगा. सो यहाँ से हमारे पास एफ जेड भी एक कॉन्स्टेंट फंक्शन आ गया. सो अगर ऑप्शंस की बात करें, यहाँ से ये ऑप्शन करेक्ट आ गया. ये यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन भी करेक्ट आ गया. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट बने, ऑप्शन ए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए को हमने लिटिल पिकार्ड थ्योरम से किया, ऑप्शन बी को हमने आइडेंटिटी थ्योरम से किया, एंड ऑप्शन डी को हमने ल्यूविल्स थ्योरम से किया. सो यहाँ से एक ही क्वेश्चन मैंने तीन थ्योरम को काम में लिया है. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम पार्ट सी. पार्ट सी का हमने क्वेश्चन तो यहाँ डिस्कस कर लिया, अब अगला क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करते हैं. सो इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन. यहाँ हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन के दो सबसेट दिए. पहला सबसेट है ओमेगा वन, ओमेगा वन में वो सारी सी बिलोंग्स करते हैं, सी बिलोंग्स टू सी सच दैट वन सी सी बार एंड वन टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स दिए इज नॉन नेगेटिव डेफिनेट और इक्वलेंटली पॉजिटिव सेमी डेफिनेट. सो हमें यहाँ से ओमेगा वन में वो सारी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट्स का सेट दिया हुआ है, उनमें जो सी बिलोंग्स करता है उन सारी सी का सेट दिया हुआ है, मतलब उन सारी सी का सेट जिनके लिए वन सी सी बार एंड वन एक पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स है. सिमिलरली ओमेगा टू हमें जो दूसरा सबसेट दिया हुआ है वो उन सारी सी का सेट से जिनके लिए थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स नॉन नेगेटिव डेफिनेट या पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है. सो हमें बताना है डी बार हमें डिनोट कर रहा है उन सारी जेड का कलेक्शन, जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मोड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू वन. सो हमें बताना है
ओमेगा वन इक्वल्स टू डी बार, ओमेगा टू इक्वल्स टू डी बार या डज नॉट इक्वल्स टू डी बार, ओमेगा वन एंड ओमेगा टू। सो यहाँ से ये ऑप्शन दिए, पार्ट सी का क्वेश्चन है। बट यहाँ से क्वेश्चन से साफ क्लियर हो रहा है कि हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ करेक्ट मिलेगा, क्योंकि या तो इक्वल्स टू डी बार होएगा या डजेंट इक्वल्स टू डी बार होएगा। ऐसा तो है नहीं इक्वल्स टू डी बार एंड नॉट इक्वल्स टू डी बार दोनों एक साथ हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ से कोई भी अगर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट दिया, सो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं। इफ अ पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, इफ ए इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट देन एवरी प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स ऑफ ए इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट एज वेल। मतलब अगर कोई भी मैट्रिक्स पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगी देन उसकी प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स भी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट ही होगी। सो अगर कोई भी मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट होती है देन उसके सारे प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट होगी। देन इस केस में यहाँ से उनका अगर डिटर्मिनेंट निकाला जाता है किसी भी मैट्रिक्स की, उसकी आइगन वैल्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, उसकी आइगन वैल्यू सारी पॉजिटिव डेफिनेट में पॉजिटिव आएगी। सो इस केस में उसका डिटरमिनेंट जीरो आता है। सो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो आएगा, क्योंकि इट कैन बी इक्वल्स टू जीरो क्योंकि सेमी डेफिनेट है। देन यहाँ से डिटरमिनेंट जीरो भी हो सकता है। सो यहाँ से डिटरमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आएगा। सो यहाँ से अगर ओमेगा वन की बात करें देन इसकी प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स क्या क्या बनेगी, एक तो ए वन और एक ए टू ये खुद। सो यहाँ से ए वन की बात करें, प्रिंसिपल मैट्रिक्स प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स में एक एलिमेंट आएगा वन। सो यहाँ से ये वन के लिए पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो, सो यहाँ से तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। सो अगर टू क्रॉस टू के लिए देखें देन ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आएगा। सो ए टू का डिटर्मिनेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आता है देन ये क्या इंप्लाई करेगा, यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट वन माइनस सी सी बार इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से अब इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करते हैं देन यहाँ से वैल्यू आएगी सी सी बार इज लेस देन इक्वल्स टू वन। सो ये क्या इंप्लाई करता है, मोड ऑफ सी इज लेस देन वन। सो अगर मोड ऑफ सी लेस देन इक्वल्स टू वन है देन अगर ऑप्शंस की बात करें, हमें डी बार क्या दिया, डी बार उन सारे जेड का कलेक्शन जिनके लिए जेड मोड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू वन। सो यही हमारे पास ओमेगा वन में है कि मोड ऑफ सी इज लेस देन इक्वल्स टू वन। देन ये क्या इंप्लाई करा है, ओमेगा इक्वल्स टू डी बार और ओमेगा ओमेगा वन इक्वल्स टू डी बार। सो ओमेगा वन इक्वल्स टू डी बार आ रहा है देन यहाँ से ऑप्शन बी कह रहा है ओमेगा वन डज नॉट इक्वल्स टू डी बार। सो यहाँ से ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया, सिमिलरली ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब बचा है ऑप्शन ए या सी। अब इन्हीं में से हमें सिंप्लीफाई करना है कौन सा होगा, या तो ओमेगा टू इक्वल्स टू डी बार होगा या ओमेगा टू डज नॉट इक्वल्स टू डी बार होगा। सो अगर यहाँ ऑप्शंस की बात करें, अब डी ओमेगा टू के लिए बात करते हैं, ओमेगा टू भी हमें पॉजिटिव सेमी डेफिनेट दी हुआ, सो इसका भी डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आएगा, क्योंकि फर्स्ट तो ये है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आएगा। सिमिलरली हमारे पास ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ही आएगा, सेकेंड कंडीशन भी वन माइनस सी सी बार, क्योंकि टू क्रॉस टू के लिए भी प्रिंसिपल जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से ये थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स जो बनेगी उसका डिटर्मिनेंट यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, जिसे आगे और सिंप्लीफाई करते हैं देन यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। सो यहाँ से इस इनइक्वलिटी को सिंप्लीफाई करेंगे देन वैल्यू आएगी सी इंटू थ्री सी बार प्लस सी इंटू सी बार माइनस सी बार स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू वन। सो यहाँ से तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, हम क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से ओमेगा टू इक्वल्स टू डी बार होगा कि नहीं। सो यहाँ से ओमेगा टू इक्वल्स टू डी बार की तो कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, सो यहाँ से क्या इंप्लाई कर रहा है, ओमेगा टू डजेंट इक्वल्स टू डी बार और ओमेगा टू नॉट इक्वल्स टू डी बार आएगा। देन यहाँ से क्या इंप्लाई कर रहा है, यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ओमेगा वन इक्वल्स टू डी बार एंड ओमेगा टू डज नॉट इक्वल्स टू डी बार। सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। सो पार्ट सी के इस क्वेश्चन में सिंगल करेक्ट होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम पार्ट सी। दिस क्वेश्चन इज सेइंग लेट पी बी द पॉलिनोमियल इन वन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सपोज ऑल द जीरोज ऑफ पी आर इन द अपर हाफ ऑफ प्लेन, लेट एच इक्वल्स टू जेड बिलोंग्स टू सी वेयर इमेज ऑफ जेड इज ग्रेटर देन जीरो। देन फर्स्ट ऑप्शन हमें कह रहा है इमेज ऑफ पी डैश जेड बाई पी जेड इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है रियल पार्ट ऑफ आयोटा पी डैश जेड बाई पी जेड इज लेस देन जीरो फॉर जेड बिलोंग्स टू आर। थर्ड ऑप्शन हमें कह रहा है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है पी डैश जेड बाई पी जेड इज ग्रेटर देन जीरो फॉर जेड बिलोंग्स टू सी एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन जीरो। एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है इमेजनरी पार्ट ऑफ पी डैश जेड बाई पी जेड इज ग्रेटर देन जीरो फॉर जेड बिलोंग्स टू सी विद इमेज ऑफ जेड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन जीरो। सो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में गिवन है पी बी द पॉलिनोमियल इन वन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सो पी अगर पॉलिनोमियल इन वन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, साथ ही सपोज दैट ऑल द जीरोज ऑफ पी आर इन द अपर हाफ ऑफ प्लेन। सो पी के सारे जीरो अपर हाफ ऑफ प्लेन मिलाई करने, सो इसके जीरोज अगर अपर हाफ प्लेन मिलाई करें यहाँ से इसके जो जीरोज का इमेजनरी पार्ट होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा।
सो यहाँ से अगर हम गॉस थ्योरम की बात करें, गॉस थ्योरम हमें कहती है लेट पी जेड बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, देन फॉर एवरी जीरो ऑफ पी डे जेड लाई इन द सेम कॉन्वेक्स हल ऑफ द सेट ऑफ जीरोज ऑफ पी जेड। मतलब अगर पी जेड की जीरो, पी जेड इज अ पॉलिनोमियल एन डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल है, देन पी डे जेड के जीरो भी उसी कॉन्वेक्स हल में लाई करेंगे जिसमें पी जेड की जीरो लाई कर रहे हैं। सो पी हमें पॉलिनोमियल गिवन है, सो यानी यहाँ से हमें पी जेड की जीरो अपर हाफ प्लेन में दिया है, देन पी डे जेड की जीरो भी सेम हाफ ऑफ प्लेन में लाई कर रहे हैं, उसी कॉन्वेक्स हल में लाई कर रहे हैं। सो लेट अस टेक हमें पी जेड जो पॉलिनोमियल दिया है, पी जेड हमारे पास पॉलिनोमियल है ए के इंटू सम ऑफ ऑल जेड माइनस जेड के, वेर के इज बिटवीन वन टू एन, वेर जेड के जेड वन जेड टू जेड एन आर द जीरोज ऑफ पी जेड, देन दे कैन बी डिस्टिंक्ट और सेम, सेम भी हो सकता है और डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। सो यहाँ से जेड के हमें जीरोज दिए हुए जेड वन जेड टू जेड एन, और हमें क्वेश्चन में गिवन है पी जेड के जीरो अपर हाफ ऑफ प्लेन में लाई कर रहे हैं, देन यहाँ से जेड के जो जेड के जेड एन जो भी आएगा जेड एन इक्वल्स टू, अगर कोई भी अगर हमने यू प्लस यू एन प्लस वी एन अगर अज्यूम करना है, यू प्लस आयटा वी एन अज्यूम करना है, देन यहाँ से इसके जीरो अपर हाफ प्लेन में लाई कर रहे हैं, देन यहाँ से क्या इंप्लाई कर रहे हैं वी के की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी क्योंकि ये अपर हाफ प्लेन में है, देन इमेजनरी पार्ट ग्रेटर देन जीरो होगा। सो यहाँ से वी के इज ग्रेटर देन जीरो आएगा। सो यहाँ से अगर पी जेड इस इक्वेशन के लॉगरिथम लॉग लेते हैं इस इक्वेशन में, देन यहाँ से लॉग ऑफ पी जेड इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए के प्लस लॉग ऑफ सम ऑफ के इक्वल्स टू वन टू एन जेड माइनस जेड के आ जाएगा। सो यहाँ से अगर इसका इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, देन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अगर जेड होगा, देन यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, इसका होगा पी डे जेड बाई पी जेड, दिस वन इज कॉन्स्टेंट टर्म, सो इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड जीरो आ जाएगा, और यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा वन बाई जेड माइनस जेड के वे सम ऑफ के बिटवीन जेड वन टू एन। सो यहाँ से अगर इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइडेशन करता है, देन इक्वेशन सेम रहती है क्योंकि ये प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, सो इक्वेशन सेम रहेगी। सो यहाँ से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइडेशन कर दिया, देन यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ से सिंप्लीफाई हो गया, जेड माइनस जेड बार माइनस जेड के बार, बिकॉज ऑफ दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो यहाँ से ये टर्म आ गई बाई, यहाँ से नीचे वाली टर्म सिंप्लीफाई होगी, मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस जेड के स्क्वायर आ गया। सो यहाँ से जेड हमारे पास एक्स प्लस आइटा वाई है और जेड के हमारे पास यू के प्लस आइटा वी के है। सो यहाँ से हमने पहले सिंप्लीफाई कर दिया, वी के ग्रेटर देन जीरो होगा। सो यहाँ से अगर जेड के और जेड की वैल्यू पुट करते हैं, देन वैल्यू यहाँ से ये यह आएगी, जिसमें कॉम्प्लेक्स टर्म यानी आइटा की टर्म इमेजनरी टर्म एंड रियल टर्म को अलग अलग कर लिया हमने। सो यहाँ से इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी फर्स्ट ये, सो ऑल द जीरो ऑफ पी जेड लाइन द अपर हाफ ऑफ प्लेन, देन जेड के इक्वल्स टू यू के प्लस आइटा वी के लाइज इन द अपर हाफ ऑफ प्लेन, देन यू के इज ग्रेटर देन वी के इज ग्रेटर देन जीरो, ये हमने पहले सिंप्लीफाई कर लिया है। सो अगर ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन हमें कह रहे हैं इमेजनरी ऑफ पी डे जेड बाई पी जेड इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू आर। सो अगर जेड अगर आर से बिलोंग्स करता है, तो हमें यहाँ पे जेड क्या गिवन है, एक्स प्लस आइटा वाई, सो जेड अगर आर से बिलोंग्स करेगा, देन यहाँ से इमेजनरी पार्ट जीरो होगा, इमेजनरी पार्ट जीरो होगा, देन ये क्या इंप्लाई करे, वाई यहाँ से जीरो हो जाएगा, वाई जीरो हो गया और वी के हमें हमारे पास पहले से ग्रेटर देन जीरो। सो यहाँ से इमेजनरी पार्ट यहाँ से क्या निकला, यहाँ से इमेजनरी पार्ट हमारे पास है वी वाई प्लस आई वाई प्लस वी के बाई जेड माइनस जेड के स्क्वायर, मोड ऑफ जेड माइनस जेड के स्क्वायर। सो यहाँ से इमेजनरी पार्ट पहले से ही है, जिसमें वी हमारे पास वाई हमारे पास जीरो हो गया और वी के ग्रेटर देन जीरो है। सो वी के हमारे पास नेगेटिव टर्म है पहले से, और आगे ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और वी के पहले से पॉजिटिव है, सो ये क्वांटिटी क्या आ गई, और नीचे हमें स्क्वायर में टर्म दी हुई है, सो ये पहले से ही पॉजिटिव है। सो यहाँ से इमेजनरी पार्ट ऑफ पी डे जेड बाई पी जेड इज ग्रेटर देन जीरो आ गया फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू आर। सो ये इंप्लाई कर रहा है यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन हमें कह रहा है आयोटा इमेज आयोटा इंटू पी डे जेड रियल पार्ट ऑफ आयोटा पी डे जेड बाई पी जेड है। सो रियल पार्ट निकालने के लिए पहले हमें आयोटा पी डे जेड बाई पी जेड को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और आयोटा पी डे जेड बाई पी जेड सिंप्लीफाई हो रहा है हमारे पास सम ऑफ एन इक्वल्स टू वन के इक्वल्स टू वन टू इन एन आयोटा, यहाँ से आयोटा से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, देन वैल्यू आ गई ये, जिसमें से रियल पार्ट अब कौन सा होगा, रियल पार्ट अब हमारे पास ये हो जाएगा। सो अब ये रियल पार्ट इस पर हमें काम करना है, सो रियल पार्ट हमारे पास ये आ गया। सो सिंस जेड बिलोंग्स टू आर, जेड फिर से रियल नंबर से डिफाइन है, सो वाई इक्वल्स टू जीरो आ गया, और वी के हमारे पास पहले से ग्रेटर देन जीरो है, सो वाई हमारे पास जीरो आ गया, वी के पहले से ग्रेटर देन जीरो, सो आगे अगर नेगेटिव लगेगा, सो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होने का मतलब लेस देन जीरो, सो दिस क्वांटिटी विल बी लेस देन जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू आर। सो यहाँ से ये क्वांटिटी लेस देन जीरो आ गई, और अगर ऑप्शन से बात करें हमें ऑप्शन में ये गिवन है,
रियल पार्ट ऑफ आयोटा पी डी जेड बाई पी जेड इज लेस देन 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू आर, सो यहाँ से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमें कह रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ पी डी जेड बाई पी जेड इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी विद इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन 0। सो यहाँ से अगर ऑप्शन सी की हम बात करें देन ऑप्शन सी हमें कह रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ पी डी जेड बाई पी जेड। सो पी डी जेड बाई पी जेड यहाँ से फिर से इमेजिनरी पार्ट की बात की, सो ये है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। सो यहाँ से नेगेटिव माइनस वाई माइन वाई प्लस वी के वाई माइनस वी के सॉरी यहाँ से हाँ ये मल्टीप्लीकेशन अंदर चला जाएगा। देन यहाँ से पी डी जेड बाई पी के की वैल्यू सॉरी यहाँ से पहले से ही नेगेटिव आएगी, मैंने गलती से यहाँ से पॉजिटिव लिखना है। देन हमारे पास ये टर्म आएगी बट यहाँ से मैंने पॉजिटिव लिख लेना है, सॉरी यहाँ से वी के नेगेटिव आएगा। सो यहाँ से वी के नेगेटिव आ जाएगा, सो यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाई ओके टर्म यही आएगी। सो यहाँ से टर्म ये आ गई इमेजनरी पार्ट ऑफ पी डी जेड बाई पी जेड की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। सो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ से हमें क्वेश्चन में दिया है जेड बिलोंग्स करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर से और साथ ही इमेजनरी पार्ट जो आएगा जेड का वो ग्रेटर देन 0 आएगा। सो जेड हमें एक्स प्लस आया था वही दिया, सो इसका इमेजनरी पार्ट क्या है वाई। सो अगर वाई यहाँ से सॉरी इमेजनरी पार्ट यहाँ से लेस देन 0 आएगा, क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, यहाँ से क्वेश्चन में गिवन है इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड लेस देन 0। इमेजनरी पार्ट अगर लेस देन 0 आएगा यानी ये इम्प्लाई करेगा वाई हमारे पास लेस देन 0 आएगा। सो अगर वाई हमारे पास लेस देन 0 आएगा और वी के हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, सो वाई हमारे पास लेस देन 0 आएगा वी के ग्रेटर देन 0, सो ये क्वान्टिटी लेस देन 0 और ये क्वान्टिटी ग्रेटर देन 0। सो नेगेटिव माइनस नेगेटिव मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, ये क्वांटिटी लेस देन 0 माइनस ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0। सो ओवरऑल क्या हुई, यहाँ से क्वांटिटी नेगेटिव आएगी और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास माइनस है, सो ये क्वांटिटी होगी पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 आ गया। सो ये क्वांटिटी आ गई इमेजनरी पार्ट ऑफ पी डी जेड बाई पी जेड इज ग्रेटर देन 0 और ये हमें ऑप्शन सी में कहा गया। सो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो गया यहाँ से, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में कहा गया जेड सी से बिलोंग्स करेगा और इमेजनरी पार्ट जो जेड का आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा यानी वाई ग्रेटर देन 0। सो अगर वाई ग्रेटर देन 0 आएगा यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ पी डी जेड बाई पी जेड है हमारे पास ये, सॉरी यहाँ से पी डी जेड बाई पी जेड है और वाई हमें ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है माइनस वी के ग्रेटर देन 0 है ही, सो यहाँ से पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव। सो अगर वाई ग्रेटर देन 0 हो वी के से, सो इस केस में हमारे पास पॉजिटिव क्वान्टिटी आ जाएगी ये और ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव, सो ओवरऑल नेगेटिव क्वान्टिटी आ जाएगी। सो ये इक्वेशन फुलफिल हो जाएगी हमारे पास जो क्वेश्चन में गया, बट इन केस इफ वी वाई इज लेस देन वी के आ गया देन इस केस में ये क्वांटिटी नेगेटिव ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगी, वाई इज लेस देन वी के में ये क्वांटिटी नेगेटिव और ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है देन इस केस में ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। सो ओवरऑल हमारे पास गिवन जो कंडीशन हुई फुलफिल नहीं हुई, सो यहाँ से ऑप्शन डी सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि वाई और वी के की वैल्यूज पे डिपेंडेंट है। सो यहाँ से ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या क्या बने, ऑप्शन ए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमने गॉस थ्योरम को जब प्रूफ होता है वो जिस तरीके से प्रूफ होता है उस तरीके से हमने इसे सिंप्लीफाई किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम पार्ट सी। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट लेट एफ बी द एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड ऑन द ओपन यूनिट डिस्क सी देन एफ इज कॉन्स्टेंट। फिर से एफ कॉन्स्टेंट के बारे में बात की और कौन सी कंडीशन में एफ कॉन्स्टेंट होगा। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम आइडेंटिटी थ्योरम का काम लेंगे। आइडेंटिटी थ्योरम हमें कहती है लेट एफ बी द एनालिटिक इन अ रीजन डी एंड जेड जीरो बिलोंग्स टू डी एंड इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस जो जेड एन से जेड जीरो पे कन्वर्स करिए बट जेड एन जेड जीरो के इक्वल नहीं है फॉर एनी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एफ जेड एन इक्वल्स टू जीरो फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन एफ जेड एन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आइडेंटिकली इन जीरो इन डी। सो इस केस में हमारे पास अगर ऑप्शन से बात करें हमें आइडेंटिटी थ्योरम कहती है अगर एफ एनालिटिक हो साथ ही जेड जीरो कोई डी से बिलोंग्स कर रहा है जो जेड एन जेड जीरो पे कन्वर्स करेगा बट जेड जीरो के इक्वल नहीं होगा मतलब लिमिट पॉइंट उस सिक्वेंस का उस डोमेन में बिलोंग्स करे। सो यहाँ से हमें वन बाई एन गिवन है, सो इसका लिमिट पॉइंट जीरो है, ये डोमेन में अवेलेबल ओपन यूनिट डिस्क देन ओपन यूनिट डिस्क में जीरो बिलोंग करा है, सो इस केस में इसका लिमिट पॉइंट बिलोंग्स करेगा। सो ये हमारे पास फंक्शन इस डोमेन में जीरो है साथ ही जेड एन टेंडिंग टू जेड जीरो सो जीरो पे कन्वर्स करी, सो यहाँ से एफ जेड इक्वल्स टू आइडेंटिकली जीरो आ जाएगा एंड देन इस केस में फंक्शन कॉन्स्टेंट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सिमिलरली आइडेंटिटी थ्योरम को यूज़ में लेके यहाँ से भी हम ऑप्शन बी भी करेक्ट कर सकते हैं जैसे स्पेसिफिक डोमेन के लिए इक्वल्स टू जीरो है देन ये हमारे पास आइडेंटिकली जीरो आ जाएगी क्योंकि इस डोमेन में इसका लिमिट पॉइंट बिलोंग्स कर रहा है। सिमिलरली यहाँ से इसका भी लिमिट पॉइंट इसी डोमेन में बिलोंग करें
सो ये भी करेक्ट हो गया, और इसका भी 1/n² का लिमिट पॉइंट लिमिट 0 होगा, सो ये भी इस डोमेन में ओपन एंडेड डिस्क में बिलोंग कर रहा है, सो यहाँ से ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास बाय आइडेंटिटी थ्योरम ऑप्शन ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन करेक्ट हो गए। सो नाउ नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आज के इस वीडियो में हमने जून 2015 में पूछे गए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पार्ट बी के 2 क्वेश्चन और पार्ट सी के 4 क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।